उसको निगेटिव न लें पॉजिटिव वे में जाएँ मैं भी पंद्रह में दो में इंजर्ड हुआ था उसके बाद बाउंस किया ठीक है अच्छा लगता है कि आप एक टॉपिक पर बात करें समझ में आता है कि आप उस पर बात करें ना कि दो चार मैच से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते दो चार मैचों से आप उसकी जो एबिलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं मार सकते बुमराह ने जो आपके लिए करके दिया है आप उसको कैसे भूल सकते हो या उसको कैसे आप इग्नोर मार सकते हो तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव जाओगे तो आपके प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है सारी चीज़ों में इम्प्रूव होता है उसमें मैच है ही पेशेंस का आप अगर देखा जाए तो आप वही आपको बार बार जैसे रिपीट कर रहा हूँ कि कंडीशंस और एक्सपीरियंस जो है बहुत मैटर करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है कंडीशन कोई भी हो आप उसको मैनेज कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ इंग्लैंड में कि आप इतना बीटन हुआ कि हाँ कि मैं सर कुछ ला, कुछ ला के पागल हो गया था सो so, आपको पेशेंस रखना होगा मेरे हिसाब से टेस्ट मैच में बैटिंग हो बॉलिंग हो मगर हाँ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अगर फील्डिंग एफर्ट से करते हैं तो ऐसे यूनिट काफ़ी बिल्ड कर सकते हैं अपनी टीम के साथ तो बस एक ही एरिया है जहाँ आपको सबको एक साथ आना होगा और मेरे हिसाब से कंडीशन कोई भी आपको फेस करके चलना पड़ेगा अच्छा मैं आप, आपके सीम पोजीशन के क्रिकेट खेलने लगे थे वैसे ही ऐसे ही अपराइट था आपने क्या हाउ तो मच हैव यू वर्क ऑन इट कब से ये परफेक्ट हो गया है आपके मन में सही मानो मैं तो डर लगता था बचपन में यार लेकिन वही है कि जब आप देखते हैं जब आप रीड करने लगते हैं किसी चीज़ को एक जुनून चढ़ जाता है आदमी के ऊपर कि हाँ मुझे ये करना है लेकिन इतना नहीं सोचा था कि हाँ सीम भी मेरी ऐसी रहेगी कभी लेकिन जब दिमाग में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके पीछे ही पड़ गया था आज को बस कंट्रोल है टच वोड अलग करम है कि हाँ जो चाहता हूँ सीम के साथ वो कर सकता हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये चलता रहे और हमेशा बस यही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक जुनून होना चाहिए आपको उसके पीछे भागना ही पड़ेगा और रिपीट करना ही पड़ेगा तब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम